गिरी पुल के समीप एचआरटीसी और निजी बस चालकों और परिचालकों के बीच हुई झड़प ने कुछ ही समय में आंदोलन का रूप ले लिया। एचआरटीसी कर्मचारी कुछ ही देर में लामबंद हो गए और इस आंदोलन का असर सोलन के बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना दे दिया और किसी भी निजी बस को बस स्टैंड में प्रवेश नहीं करने दिया। गिरी पुल के समीप एचआरटीसी और निजी बस चालकों और परिचालकों के बीच हुई झड़प ने कुछ ही समय में आंदोलन का रूप ले लिया। एचआरटीसी कर्मचारी कुछ ही देर में लामबंद हो गए और इस आंदोलन का असर सोलन के बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना दे दिया और किसी भी निजी बस को बस स्टैंड में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बात की खबर सोलन पुलिस को लगी और वे तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी अपने मांगों पर डटे रहे और देर शाम तक उनका आंदोलन चलता रहा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्या प्रकाश शर्मा और हिमाचल ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज मरयोग के समीप निजी बस चालक ने एचआरटीसी की बस को ओवरटेक कर उसे रोका और फिर परिचालक को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से बैग घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अक्सर एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ ही होती हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी महज 5,000 रुपए की नौकरी करता है और लोगों से पीटता है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के अधिकारी बिना किसी समय सारणी के उन्हें रूटों पर भेज देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बसों से पहले निजी बसों को समय दिया जाता है, जिसकी कोई भी जानकारी एचआरटीसी चालक को नहीं होती है और ना ही एचआरटीसी के कोई अनापत्य प्रमाण पत्र लिया जाता है। आरटीओ द्वारा अपने आप ये रूट दे दिए जाते हैं, जो आगे चलकर इस तरह की घटनाओं का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि जो भी दोषी हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं सत्यप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष परिवहन संयुक्त संघर्ष समिति। आज सोलन क्षेत्र में ये जो हमारे परिचालक और चालक के साथ मारपीट की घटना हुई, आए दिन पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आज भी ये घटना जो हुई है, आज हमें 25 परमिट सोलन डिपो की जारी कर दिए गए हैं। अगर ये परमिट पहले जारी कर दिए होते तो शायद ये घटना ना होती। पहले प्रबंधन को या आरटीओ साहब को जागना चाहिए था। आज ये जो घटना है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन का फेलियर है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं अगर घटती रही तो प्रदेश का परिवहन का चालक और परिचालक और सभी सदस्य, सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये मौलिकिंग जैसी घटनाएं हैं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मीडिया को अपना रिफ्रेंस देना चाहूँगा। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन सर्व कर्मचारी यूनियन रोहडू क्षेत्र, मेरा डिपो है, एचआरटीसी में कार्यरत हूँ। ये मेरे सब भाई लोग हैं। आज मेरा भाई एक फोन से सोलन टाइम लेके आ रहा था, जिसका भी टाइम गिरी पुल से 8 बजे बनता है, और गिरी पुल में उसके आगे एक गाड़ी है गिरी गंगा बस, जो राजगढ़ से सोलन चलती है। उसके ड्राइवर कंडक्टर को जब मेरी चालक परिचालक साथियों ने मरयोग के पास ओवरटेक किया, तो उनकी आपस में हाथापाई होगी। उसको बहुत बुरी, परिचालक को बहुत बुरी तरह मारा गया। परिचालक के खून निकला है, दांत मुंह तोड़ दिए उसके बेचारे के, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। और अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम एचआरटीसी के कर्मचारी हैं। एचआरटीसी का कर्मचारी 5,000 रुपये में अपनी सेवाएं देता है। मैं प्रशासन को और सरकार को अगवा करना चाहता हूं कि 5,000 में कोई आदमी नौकरी करके दिखाए। आज जो ये हमारे ऊपर अफसर बैठाए हुए हैं, आरएम है, कोई भी है, ये 5,000 में अपना परिवार पाल के दिखाए। मेरा एचआरटीसी का भाई पेट में अपनी गांठ बांध के, पेट में मफलर बांध के 5,000 में सेवा देता है। जनाब, मैं आज सरकार को और हिमाचल की पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि 5,000 में जो आदमी सेवा दे रहा है, वो आदमियों से पिटता है रोज। या आए दिन हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, हमारे आदमी को मारा जाता है। एचआरटीसी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। एचआरटीसी को झंडी दिखाई जाती है कि फलाने रूट पे गाड़ी लेके जाओ। हमारा मैनेजर हमारे को बोलता है आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, फलाना राम फलाना राम फलाने रूट पे जाओ। जब कोई टाइम टेबल नहीं होगा, आज तो हमारा टाइम टेबल था, जिस टाइम टेबल पे ये गाड़ी हुई जहाँ मरयोग में हादसा हुआ, 5 मिनट के बाद हमारा टाइम था, उसने फिर भी हमारे कंडक्टर को जान से मारने की कोशिश की गई है। मांग इस टाइम ये मुख्य मांग है, प्रशासन उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करे, उस बस को बाउंड करे। आरटीओ ने और भी अनर्थ जो रूट दिए हैं, हमारी गाड़ी के आगे टाइम टेबल दिया जाता है। आरटीओ साहब कौन होते हैं टाइम टेबल देने वाले? आरटीओ साहब
एचआरटीसी की एनओसी लगती है, एचआरटीसी को कंसल्ट में लिया जाता है, बाकायदा एडवर्टाइज किया जाता है रूट को कि कौन सा रूट दिया जा रहा है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ नहीं पूरे हिमाचल में, मैं बताता हूँ पूरे हिमाचल में टैक्सियाँ भरी जाती हैं। शिमला हमारा मेन अड्डा है, वहाँ से टैक्सियाँ भरी जाती हैं। हमारे ड्राइवर कनेक्टर टैक्सियों से मार खाते हैं, प्राइवेट बसों से मार खाते हैं। एचआरटीसी का आदमी मार खाने के लिए नहीं पैदा हुआ। एचआरटीसी का आदमी 5,000 में सेवा दे सकता है? एचआरटीसी का आदमी भूखे पेट रह के कुछ नहीं कर सकता है? तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।